दोस्तों अबेज HT303 का आपने साउंड टेस्ट देख ही लिया होगा और पहले वाले वीडियो अनबॉक्सिंग वाला जरूर से देखा होगा। तो आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं इस HT303 का टेयर डाउन और देखने वाले हैं कि भाई साहब ये जो सैटेलाइट स्पीकर और सबवूफर बॉक्स अपने को दिया जाता है इसके अंदर का मटेरियल किस टाइप का है। तो उससे जो ऑडियंस होगी उनको परचेस करने के अंदर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बेसिकली लोग बाग आपको बाहर की चीजें दिखाते हैं, मैंने कोशिश किया है कि इसके अंदर क्या लगा रखा है वो भी आपको दिखाऊं ताकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाए और आपको पता चले कि अंदर का मटेरियल कैसा है। तो इस बॉक्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। यहां पे आपको एक 2.1 बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको दो सैटेलाइट देखने को मिल रहे हैं, 3-3 इंच के सैटेलाइट है जो कि फुल रेंज के साथ में आता है। उसी साथ में आपको सबवूफर बॉक्स देखने को मिलता है जो कि पोर्टेड डिजाइन के अंदर है और उसी के साथ में जो बॉक्स है इसका जो वोल्टेज है सबवूफर का वो जाता है आपका 30 वॉट तक और बहुत ही ज्यादा अच्छे से साउंड प्ले करता है। तो अपन आज इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसा मटेरियल लगा रखा है। तो सबसे पहले अपन सबवूफर को नीचे रख देते हैं और सैटेलाइट ओपन करके देख लेते हैं, दोनों सेम है तो अपन एक को देख लेते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ पर और इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि फ्रंट के अंदर आपको एक मेटल की ग्रिल मिलती है, काफी ज्यादा हैवी गेज के अंदर है और इसी के साथ में आप एक प्लास्टिक आपको कवर देखने को मिलता है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं स्क्रूज कस रखे हैं जो कि रबर में है पूरा प्रॉपर और पीछे की तरफ से भी यहाँ पे आपको वॉल माउंट करने के लिए देखने को मिल जाता है और कहीं पे इसका खोलने का जरिया मेरे को नजर नहीं आ रहा है। तो ये केवल फ्रंट से खुलेगा, बाकी पूरा प्रॉपर ये फेविकोल से चिपकाया हुआ है। इसको मैं फटाफट से ओपन करता हूँ। आपके सामने है कुछ इस टाइप से ओपन हो चुका है। सबसे पहले इसकी बात कर ली जाए, इसको चिपकाया कैसे हुआ था। तो यहाँ पर ग्लू स्टिक डाल रखी थी दोनों साइड में इन्होंने और दो साइड में आपको प्लास्टिक की कुछ इस टाइप की कैप देखने को मिल रही थी। काफी अच्छे से इन्होंने प्रोटेक्शन बनाने की कोशिश की है ताकि स्पीकर को डैमेज ना पहुंचे। फ्रंट में आपको स्पीकर कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। यहाँ पर चार इन्होंने होल कर रखे तो आप कैसे भी इसको कस सकते हैं बेसिकली और इसकी हल्की सी कटिंग पीछे को आ रही है, देख सकते हैं आप थोड़ी सी आपको नजर आए। तो चलो बिना किसी देर के अब इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले कुछ इस टाइप के ब्लैक स्क्रू का यूज़ किया है सब जगह पे काम करने के लिए। तो ये हो चुका है ओपन और अब इसका स्पीकर निकालते हैं। मेरे को उम्मीद है कि अब डायरेक्टली निकल जाना चाहिए और ये निकल जा चुका है। सबसे पहले बात करें 8 ओम्स का लोड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अच्छी बात है भाई साहब। ये आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूं और अंदर देख सकते हैं MDF का किस टाइप से वर्किंग है। पूरा इन्होंने सेट कर रखा है चारों पांचों साइड के पीसेस को और बस यही आपका देख सकते हैं ऊपर की तरफ से भी इसको हैवी बनाया है एकदम। और कुछ इस टाइप का बॉक्स आपको देखने को मिलता है जो कि आपका जाता है सर जी सैटेलाइट के लिए, ठीक है। और अब इसको अपन रख देते हैं साइड में और चलते हैं सबवूफर बॉक्स के ऊपर। तो अब बारी है सबवूफर बॉक्स ओपन करने की। सबसे पहले मैं इसको ओपन करना चाहूंगा, देखूंगा इसके अंदर क्या है, फिर अपन चलेंगे सबवूफर पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इनका फ्रंट वाला बोर्ड है जिसके ऊपर यहाँ पे फोम की पूरी कवरिंग कर रखी है। ये पोटेंशियोमीटर लगा रखा है इन्होंने और इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है यहाँ से अंदर की तरफ भेजा है और यहाँ पे देख सकते हैं पावर स्विच का कनेक्शन भी कुछ इस टाइप का है और सारे आइटम पे प्रॉपर ग्लू गन लगा के एकदम मस्त तरीके से काम करने की कोशिश किया है, ठीक है। देख सकते हैं पूरा प्रीमियम तरीके से फिनिशिंग इन्होंने कर रखा है, जिप टाइप बरोबर हर जगह लगा रखी है। अब नजर डालिए सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर पर। भाई साहब एक बार चेक कीजिए इसका ट्रांसफार्मर कितना ज्यादा हैवी है। मैं आपको अभी आगे सबवूफर खोल के दिखाऊंगा तब इसका और अच्छे से दिखा, एक बार यहाँ पे चेक कीजिए इसका जो ट्रांसफार्मर है ना कितना ज्यादा हैवी है भाई साहब, सच में बहुत ज्यादा हैवी ट्रांसफार्मर यूज किया है। पावर का राज आखिरकार यही है इसका। उसी के साथ में आप देख सकते हैं आउटपुट के लिए दो केबल जा रही है ऊपर की तरफ, खोल के तो इसको देखना बहुत ज्यादा टिपिकल है। खुद का बोर्ड बना रखा है, कैपेसिटर आप देख सकते हैं 35 वोल्ट और 4700 माइक्रोफेरेड के लगा रखे हैं, दो कैपेसिटर है पावर के लिए। काफी ज्यादा सफाई देखी है मैंने इस काम के अंदर के भाई साहब, जितना भी इन्होंने काम किया है ना कहीं पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं है, डिस्टर्बेंस वाला काम नहीं है प्रॉपर और हीट सिंक भी बहुत ज्यादा हैवी यूज कर रखा है। दोस्तों बारी है फ्रंट वाले की, फ्रंट को भी खोल के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जाली कुछ इस टाइप की उन्होंने काम में ले रखी है और खोलते ही जाली बाहर आ गई। प्रॉपर फिनिशिंग का काम तो आप देख सकते हो बेच का बिल्कुल अच्छे से कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे सब जगह इन्होंने ग्लू लगा रखा है
प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छा है और हैवी मेटल है यहाँ पे ग्रिल के अंदर फ्रंट में, और ग्रिल को जिस टाइप से मोड़ रखा है तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब चलते हैं अपन गौर से देखते हैं सबवूफर को। देख सकते हैं दोस्तों सबवूफर तो काफी अच्छी क्वालिटी का है, और एक चीज सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन जो मुझे लगा भाई साहब रबर सराउंड है इसके अंदर, यही कारण है इसका इतना ज्यादा हैवी बेस का। और अभी इसको ओपन करेंगे देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, और बाकी सब जगह फॉर्म लगा रखा है इन्होंने, यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग बनवाई है भाई साहब मशीन से कटिंग करवा के, हमको इतनी जगह चाहिए सबवूफर के लिए। सबवूफर यार फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा है सबवूफर का, 5 इंच के हिसाब से अच्छा सबवूफर है। अब इसका मैग्नेट चेक कर लेते हैं, अगर हैवी हुआ तो ये अपने टेस्ट के अंदर पास है भाई साहब, इसका टियर डाउन अपने लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं इसको फटाफट से ओपन करता हूँ और देखते हैं इसके अंदर जो मैग्नेट यूज किया है वो कितने mm का है या फिर कितने साइज का। तो ये सबवूफर ओपन होने जा रहा है। एक चीज और बता दूं, जहां जहां जरूरत थी दबा के फोम लगाया भाई साहब, कहीं कंजूसी देखने को नहीं मिलेगी आपको। ये पेश है आपके सामने भाई साहब सबवूफर, चेक कीजिए एक बार यार, इसको बोलते हैं सबवूफर, प्रॉपर वर्किंग है, 4 ओम का लोड है, और ये देख सकते हैं इस टाइप का आपको सबवूफर देखने को मिल रहा है। ये चीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और लोगों को भी इस चीज से बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ भाई साहब जो चीज हम यूज कर रहे हैं आखिरकार उसके अंदर मटेरियल कैसा यूज कर रखा है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब आपके जो सबवूफर है उसके डीप बेस का राज ये है, सबसे बड़ा राज इसकी पावर का ये मैग्नेट है। ये जो आप इतनी हैवी मैग्नेट देख रहे हैं ना, मेरा एक 6 इंच का सबवूफर है उसके बराबर की मैग्नेट है इसके अंदर, और इसकी वजह से इसका जो थंप है वो इतना ज्यादा शानदार बनता है और ये बहुत अच्छी लो फ्रीक्वेंसी भी पकड़ता है। और यही था सबवूफर के लिए। तो अब मैं आपको अंदर का ट्रांसफार्मर भी दिखा देता हूँ, खोलना तो पॉसिबल होगा नहीं, मैं आपको इसको जस्ट ऐसे टिल्ट करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इन्होंने ट्रांसफार्मर यूज किया है ना भाई साहब, ये भी बहुत ज्यादा हैवी है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है। और मैंने यूजुअली जितने भी होम थिएटर देखे हैं अंदर से, किसी में इतना बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं मिला मुझे। तो ये एक और प्लस पॉइंट ऐड होता है ओबेज के लिए। और ये टियर डाउन यहीं पे अपन एंड करना चाहेंगे। और ये एंट्री लेवल का स्टार्टिंग सबवूफर है, आप देख सकते हैं ये जो ओबेज का मैंने सिस्टम परचेस किया है, कुछ से केवल 4000 रुपए का सिस्टम है और उसके अंदर आपको ये क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है मेड इन इंडिया के अंदर। आप किसी और थर्ड पार्टी ब्रांड पर जाते हो तो मुझे नहीं उम्मीद है कि भाई साहब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इतना हैवी सबवूफर और इतना हैवी आपको ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई साहब इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए और काफी अच्छा है। अगर आपको उसका अनबॉक्सिंग एंड साउंड टेस्ट देखना है तो वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये रखते हैं, ऐसे और वीडियोस चाहिए तो वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब अगर आप याद से करते हैं तो मैं ऐसे आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगा जिनके अंदर आपको और बढ़िया बढ़िया टियर डाउन दिखाऊंगा, और पॉसिबल हुआ तो पर्टिकुलर आईसी को भी निकाल के आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर कैसा आईसी यूज किया है, बोर्ड का क्वालिटी किस टाइप का है, पर्टिकुलर एक एक मटेरियल के ऊपर अपन डिस्कशन कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हैं तो। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगा, मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।